नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से आसन न्यूज पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कर्नाटक में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव का महा ओपिनियन पोल। क्या होगा कर्नाटक की राजनीति में? क्या फिर से बीजेपी अपने हिंदुत्व के दम पे वापसी करेगी या दूसरी पार्टियां मार जाएगी बाजी? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि HD देवगौड़ा की पार्टी JDS ने कांग्रेस ने अपना नाता तोड़ दिया है। और वही बड़ी खबर निकल के आ रही है, पंजाब की जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने कर्नाटक में अपना दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक में आम आदमी पार्टी में शामिल हुए IPS भास्कर राव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी JDS और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अपना दमखम दिखा रही है। क्या होगा 2023 के कर्नाटक चुनाव में, कौन सी पार्टी मारेगी बाजी? तो जी दोस्तों, एक एक करके एक एक सीट का विश्लेषण कर लेते हैं। दोस्तों वही बता देते हैं, कर्नाटक में हिज्जा विवाद को लेकर कॉलेज और स्कूल कैंपियन में विरोध प्रदर्शन हुए और राज्य में हिंसा के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के बीच संघर्ष भी देखा गया। क्या कर्नाटक में इस विवाद को 2023 में होने वाले कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर असर डालेगा, इसका भी हम लोगों के बीच जाकर इसके बारे में पूछा गया है। अगर कर्नाटक के अलग अलग क्षेत्रों में राजनीतिक दलों के प्रभाव के संदर्भ में बात करें तो 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने उडुपी जिले की सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। दक्षिणी कन्नड़ क्षेत्र की 8 सीटों में से 7 सीटों पर भाजपा ने जीत हासिल की और कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट आई थी। वहीं 2013 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उडुपी में 3 और दक्षिणी कन्नड़ में 7 सीटें जीती थी। दोनों राजनीतिक दलों का दावा है कि हिज्जा विवाद आगामी कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कोई मुद्दा नहीं होगा। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कर्नाटक विधानसभा चुनाव की, 221 विधानसभा सीटों में से कौन सी पार्टी मारेगी बाजी? जी हाँ दोस्तों, BBMP की दक्षिण की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 5 पर बीजेपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 2, JDS के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। BBMP उत्तर की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से बीजेपी खाते में 3, कांग्रेस पार्टियों के यहाँ पर 2 सीटें, JDS के खाते में 1 सीट जाने की संभावनाएं तक जा रही है। BBMP मध्य की 7 विधानसभा सीटें, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, JDS के खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 21 विधानसभा सीट का ओपनिंग पोल आपको दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर 13 सीट मिल सकती है, कांग्रेस पार्टी खाते में 5, JDS के खाते में 2, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं बागलकोट की, 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, JDS के खाते में 1 सीट, तो अन्य पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। बेंगलोर ग्रामीण की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2 और कांग्रेस पार्टी को 1, JDS के खाते में 1 सीट जा सकती है। बेंगलोर अर्बन की यानी कि बेंगलोर सिटी की बात करें तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 5, नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, JDS के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट पर ही संतुष्ट होना पड़ सकता है। तो जी दोस्तों, कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 23, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 10, JDS के खाते में 4, अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 विधानसभा सीट मिलने में कामयाबी मिल सकती है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं बीदरी की, 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर JDS, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। बेल्लारी की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 1, JDS के खाते में 1, तो अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। बेलगाम की 18 विधानसभा सीट है, 18 में से 10 पर बीजेपी, तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 5 सीट, JDS के खाते में 3 सीट और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की, 221 विधानसभा सीटों में से 72 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 42 सीटें, कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 18 और JDS के खाते में 9, अन्य पार्टी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं जताई जा रही है। बीजापुर की
जी हाँ दोस्तों, बीजापुर की 8 विधानसभा सीटें हैं। 8 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट। चामराज नगर की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से बीजेपी खाते में 1, नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। जेडीएस के खाते में 1 सीट और अन्य पार्टियों यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चिकबलपुर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस, अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 89 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट पेज कर दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 52 सीटें और कांग्रेस पार्टी खाते में 22 और जेडीएस के खाते में 12 और अन्य पार्टियों को यहाँ पर 3 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जी दोस्तों बात कर लेते हैं अगले जिलों के बारे में। तो यहाँ पर निकल के आ रहा है चिकमंगलूर की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर नेशनल कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 1 सीट और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चित्रदुर्ग की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर कांग्रेस पार्टी, 2 पर जेडीएस और अदर पार्टियों को यहाँ पर 0-0 सीट। यानी कि बात कर लेते हैं दक्षिण कन्नड़ की 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 4 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 2 सीट, अदर पार्टी के यहाँ पर झोपड़ा साफ। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 108 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा पेश कर दिया गया है। तो यहाँ पर 61 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, तो 27 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 17, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 3 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं दावणगेर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 5 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें, जेडीएस के खाते में 1 सीट और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। दावणगेर की 8 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 5, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 2, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। धारवाड़ की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से 4 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 2, जेडीएस के खाते में 0, अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दगद की 4 विधानसभा सीटें हैं, 4 में से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 2, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 1, जेडीएस के खाते में 1, अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 127 विधानसभा सीटें यानी कि आधी से ज्यादा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 72 विधानसभा सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन रही है। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सेकंड लार्जेस्ट और थर्ड पार्टी यहाँ पर जेडीएस, अन्य पार्टी यहाँ पर चौथे नंबर पर जाती हुई दिखाई दे रही है। गुलबर्ग की 9 विधानसभा सीटें हैं, 9 में से 5 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 2, जेडीएस के खाते में 2 सीटें, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। हसन की दोस्तों बात कर लेते हैं हसन विधानसभा क्षेत्र की 7 विधानसभा सीटें हैं, 7 में से भारतीय जनता पार्टी खाते में 4, नेशनल कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 2 सीटें और जेडीएस के खाते में 1 सीट और अदर पार्टी के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। हावेरी की 6 विधानसभा सीटें हैं, 6 में से 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 3 सीटें यानी कि 3 सीटों पर नेशनल कांग्रेस पार्टी बड़ी बन सकती है, जेडीएस के खाते में 1 सीट और अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 149 सीटों का सर्वे आपके स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी खाते में 83 यानी कि 83 सीट अपने पाले में कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो वहीं नेशनल कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 39 सीटें और जेडीएस के खाते में 23 सीट और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। कोडागू की 1 विधानसभा सीट और 1 विधानसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना पलड़ा मजबूत करने में कामयाब हो सकती है। कालोर की 6 विधानसभा सीटें, 6 में से बीजेपी खाते में 5, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 1, जेडीएस के खाते में 0, अदर पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। कोपल की 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 में से 4 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 1, जेडीएस के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 161 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है।
तो यहाँ पर 93 सीट यानी 93 सीटों पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी के खाते में 41 सीट और जेडीएस के खाते में 23 सीट और अन्य पार्टियों यहाँ पर 4 विधानसभा सीट के साथ जीतने में कामयाब हो सकती है। दोस्तों बात कर लेते हैं मनरेगा एक 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 2, कांग्रेस पार्टी के यहाँ पर 4, जेडीएस के खाते में 1 विधानसभा सीट मिल सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट है। रायसूर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से बीजेपी खाते में 3 है, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 3 है, जेडीएस के खाते में 1 विधानसभा सीट जीतने का कामयाब हो सकती है, अदर पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। मैसूर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 6 पर बीजेपी, 3 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों कर्नाटक की 221 में से 185 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर दिखाई जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है जीत के बहुत नाजुक तरीके के साथ है। तो नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 51, जेडीएस के खाते में 26 और अन्य पार्टियों के यहाँ पर 4 विधानसभा सीट जीतने का मौका मिल सकता है। तुमकुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी, 4 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। शिमोगा की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 1 सीट, जेडीएस के खाते में 0, अन्य पार्टियों के यहाँ पर 0-0 सीट। रामनगरम की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0, अन्य पार्टी यहाँ पर 0-0 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की 221 में से 196 सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर बीजेपी खाते में 113 सीट और नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 93 सीट और जेडीएस के खाते में 26 और अन्य पार्टी को यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं काफी ज्यादा जताई जा रही है। दोस्तों बात कर लेते हैं उत्तर कर्नाटक की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 2, जेडीएस के खाते में 1 सीट। उडुपी की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, जेडीएस के खाते में 0, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0-0 सीट। तुमकुर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से बीजेपी खाते में 5, नेशनल कांग्रेस पार्टी खाते में 4, जेडीएस के खाते में 1 सीट। दोस्तों बात कर लेते हैं कर्नाटक की 221 विधानसभा सीटों में से 217 विधानसभा सीट का स्तर व्यापक स्क्रीन पर सीधा दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी खाते में 125 सीटें, 60 सीटों पर कांग्रेस पार्टी सिमट सकती है, 28 सीटों पर जेडीएस और अन्य पार्टियों पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। यादगिरी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, 1 पर जेडीएस। दोस्तों कर्नाटक के सभी 221 विधानसभा सीट का सर्वे आपकी स्क्रीन पर पेश कर दिया गया है, तो यहाँ पर 221 में से 127 विधानसभा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार बना सकती है 2023 के विधानसभा चुनाव में, और कांग्रेस पार्टी 61 सीटों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी बन सकती है, यानी कि कांग्रेस पार्टी यहाँ पर सरकार बनाने में नाकामयाब रह सकती है। जेडीएस यहाँ पर 29 सीटों पर, अन्य पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीट मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है कर्नाटक में इस बार किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएगा और आपके कमेंट का जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, जय किसान, वंदे मातरम, जय श्री राम।